स्टूडेंट्स, दिस इज भूमिका शर्मा फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नयागांव कोटा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5, एनिमल्स आर फ्रेंड्स ऑफ साइंस। एनिमल अराउंड एनिमल्स आर फ्रेंड्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट पेट एनिमल्स, एनिमल्स दैट आर टेम्ड एंड लिव विद अस, ऐसे एनिमल्स जो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमारे साथ रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट आर कैप्ट इन फार्म्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम फार्म में रखते हैं। बीस्ट ऑफ बर्डन, एनिमल्स दैट कैरी लोड। बीस्ट ऑफ बर्डन ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जिनके ऊपर हम लोड मीन्स वजन रख के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। नाउ मैन्योर, एनिमल डंग यूज फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर क्या होता है? एनिमल डंक होता है, उनका वेस्ट मटेरियल होता है जिससे जो हम सॉइल में मिलाते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। नाउ लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर ऑल्सो आर फ्रेंड्स। प्लांट्स और एनिमल्स भी हम लोगों के क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं। वी कीप सम एनिमल्स विद अस, कुछ एनिमल्स को हम हमारे साथ रखते हैं। दीज आर कॉल्ड पैट एनिमल्स, और उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पैट एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके घर पे डॉग होगा या कैट होगी, पैट एनिमल्स बिकम अ पार्ट ऑफ आर लाइफ, और पैट एनिमल्स हम लोगों की लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। सम एनिमल्स हेल्प अस इन फार्म्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फार्म में हमारी हेल्प करते हैं। फार्म्स में दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। दे आर यूजफुल टू अस, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, और हमें उन एनिमल्स से बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। दे प्रोवाइड अस देयर सर्विस टू, और हमें उनकी वो खुद की सर्विस भी हमें प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स गिव अस फूड, एनिमल्स हमें फूड देते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, काउज से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है जो कि हमें मिल्क आप मॉर्निंग में पीते हो। गॉट एंड बफेलोज, और गॉट और बफेलोज से भी हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। वी मेक कर्ड, बटर, चीज, घी एक्सेट्रा फ्रॉम मिल्क, और हम उस मिल्क से क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं? बटर, चीज, घी एक्सेट्रा बनाते हैं। नाउ मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, और मिल्क हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए बोलते हैं कि हमें वन ग्लास ऑफ मिल्क रोज मॉर्निंग में पीना चाहिए। नाउ वी शुड ड्रिंक 2-3 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे, हमें 2-3 glasses, इवन 2-3 glasses ऑफ मिल्क हमें एवरी डे पीना चाहिए। वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स लाइक हैंस एंड डग्स, अब हमें एग्स मिलते हैं, अंडे मिलते हैं किससे? हैंस और बर्ड्स से। एग्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और एग्स किस चीज में रिच होते हैं? प्रोटीन में रिच होते हैं। नाउ जस्ट लाइक आई लव टू ईट बॉइल्ड एग्स, किसी को एग्स, बॉइल्ड एग्स खाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू ईट ऑमलेट, और उन्हीं एग से जो ऑमलेट बनता है वो भी आप लोगों को अच्छा लगता होगा खाना। वी ईट द मीट ऑफ हैंस एंड गॉड्स, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स का मीट ईट करते हैं। किस किस एनिमल्स का? जैसे हैन हो गई, गॉट हो गई। नाउ वी ऑल्सो ईट कुक्ड फिश, और अपन जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिश को भी पका के खाते हैं। लाइक एग्स, मीट एंड फिश आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स, मीट और फिश ये भी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन में, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। नाउ एनिमल्स गिव्स अस मैनी अदर यूजफुल थिंग्स, और एनिमल्स हमें बहुत सारी और चीज़ें भी, यूजफुल थिंग्स भी देते हैं। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम हनी बीज, हमें हनी और वैक्स मिलती है किससे? हनी बीज से, मधुमक्खियों से। हनी इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, और हनी किस चीज में यूज होता है? मेडिसिन में भी यूज आता है। वैक्स इज यूज इन मेकिंग कैंडल्स, सोप्स, क्रियॉन्स, फर्नीचर, पॉलिश एक्सेट्रा, और वैक्स किस चीज में हमारी यूज आती है? कैंडल्स बनाने में, सोप्स, क्रियॉन्स, फर्नीचर पॉलिश बनाने में काम आती है। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, शिप से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। वूल इज द हेयर ऑफ शिप, वूल क्या होती है? जो शिप के ऊपर जो शिप के हेयर्स होते हैं वो होती है वूल। इट इज़ यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स, और ये वुलन क्लोथ्स बनाने में
काम आती है. वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर्स, और हम वुलन क्लोथ कब पहनते हैं, विंटर्स में पहनते हैं, टू कीप आर सेल्फ वार्म, हमें गर्म रखने के लिए, क्योंकि विंटर्स में हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, कोल्ड लगता है ना, तो इसलिए हम वुलन क्लोथ पहनते हैं. नाउ सिल्क वॉर्म गिव्स अस सिल्क थ्रेड्स विच आर यूज टू मेक सिल्क. जो सिल्क वॉर्म होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, वो हमें सिल्क थ्रेड देता है, और उस सिल्क थ्रेड से क्या बनती है, सिल्क की साड़ीज बनती हैं. द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, गॉट एंड कैमल इज यूज एज लेदर. बहुत से एनिमल्स की स्किन भी हमारे यूज में आती है, जैसे स्नेक की स्किन, क्रोकोडाइल, गॉट और कैमल की स्किन लेदर बनाने में यूज आती है. लेदर इज यूज टू मेक शूज, पर्स, जैकेट एंड बेल्ट. और लेदर से क्या चीजें बनती है, शूज बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, पर्सेस बनते हैं, बेल्ट बनती हैं. समटाइम्स एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. और बहुत बार ये होता है कि हम एनिमल्स को मार देते हैं, उनको किल करते हैं उनकी स्किन का यूज लेने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. The dung of animals like cow and buffalo is used as manure. बहुत से जो cow और buffalo से इनका जो waste material होता है, ये manure बनाने में काम आता है. और ये manure किस में, soil में मिलाई जाती है, ताकि soil की जो fertility है वो बढ़ जाए. People in villages mix cow dung with dry grass and water to make cow dung cakes. जो विलेजेस में, गांव में जो लोग होते हैं, वो काउ डंक में ड्राई ग्रास और वाटर मिला देते हैं काउ डंक केक्स बनाने के लिए. जैसे ये देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये लेडी है जो काउ डंक केक्स बना रही है. दीज डंक केक्स आर यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग. और ये किस में यूज आते हैं, ये फ्यूल में काम आते हैं. जब हम चूल्हा जलाते हैं, तो चूल्हे में जब हम लकड़ियाँ रखते हैं, नीचे वुड रखते हैं, उसके साथ हमें ये भी रखना पड़ता है, तभी उसमें फायर जलती है, फायर आती है. एनिमल्स प्रोवाइड अस देयर सर्विसेज. अब एनिमल्स उनकी सर्विस हमें कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम ये पढ़ेंगे. एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, डोंकीज, एलिफेंट्स एंड कैमल आर यूज फॉर कैरिंग हैवी लोड. जैसे हॉर्सेज, डोंकीज, एलिफेंट हो गया, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हैवी लोड्स कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. लोड्स मीन्स वजन. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन्स. और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन्स. दे मेक आर वर्क ईजियर. ये हमारा वर्क ईजियर बना देते हैं. क्यों, कैसे बना देते हैं, कि हमें वो उठा के नहीं ले जाना पड़ेगा, हम उनके ऊपर कैरी करके ले जा सकते हैं. नाउ एनिमल्स लाइक बुल्स एंड ऑक्स हेल्प फार्मर्स टू प्लग देयर फील्ड्स एंड ट्रैश ग्रेन. जैसे एनिमल्स होते हैं बुल्स वगैरह, बैल वगैरह, जो बैल होती हैं वो क्या करती हैं, प्लग करने में, फार्मर की फील्ड को प्लग करने में, हल जोतने में काम आती हैं. नाउ व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर कि हम जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और उनसे हमें बहुत सारी थिंग्स मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं. थैंक यू.